वितरण कार्यक्रम किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25 बच्चियों को सरकार की तरफ से साइकिल बांटी गई। भंवरगढ़ में बीजेपी मंडल की 15 दिसंबर को सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर बैठक हुई। बैठक में जनसभा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पहुंचने की अपील की गई और व्यवस्था। रणथंभौर सर्किल से दूध डेयरी तक रोड पर गंदगी फैलाने वालों से 8,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रोड पर बने मैरिज गार्डन में कार्यक्रमों में प्लास्टिक के पेपर प्लेट प्रयोग हो रहे हैं, जिसे लेकर पालिका अब गंभीर है। लाखेर उपखंड के पापड़ी गांव के पास एक ढाबे में चोरी करने आए बदमाशों ने दुकानदार और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच जारी है। चौमू के सामोद में असामाजिक तत्वों ने स्थान पर हमला किया। इस घटना के बाद से गौरक्षकों में गुस्सा है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली के राहेड़ा गांव में राजेश कुमार गुर्जर को कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। टोंक में स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसे विधायक अजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को टैगोर स्कूल से रवाना किया गया। वहीं बच्चों के बीच फल वितरण किया गया। श्री विजयनगर में गंगानगर किसान समिति की बैठक हुई। बैठक में नरमे के तोल में हो रही धांधली पर चर्चा की गई और सरसों की आगामी फसल की सरकारी खरीद पर चर्चा हुई। सांगवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एचडीएफसी बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में बैंक कर्मियों के साथ 33 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पांचोलास गांव में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। जिला कलेक्टर केसी वर्मा ने संबोधित अधिकारियों को यहां पर समस्या के समाधान पर निर्देश दिए। लाखेर में नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के तहत एक ऐप बनाया। इसे इलाके में कहीं भी गंदगी होने की शिकायत मिले पर 4 घंटे में इसका समाधान किया जाएगा। पालिका सभा भवन में समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई है कि बैठक में चेयरमैन योगेश वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नीमका थाना के टोडा में तेलीवाला मोड पर ओवरलोडिंग से लोग परेशान हैं। धूल के गुबार के चलते आसपास सांस लेना मुश्किल हो चुका है। विरोध में गांव के लोगों ने 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। छबड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नामांकन स्वच्छता सप्ताह समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर ठग अक्षत राज को पकड़ लिया है। आरोपी पर जिले भर में करीब 8 ठगी की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। चौमू में बाल गोपाल गौसेवा समिति की पहल पर NH-52 पर गौवंश को रेडियम बेल्ट बांधी गई। एसडीएम ने अभियान की शुरुआत गौवंश को बेल्ट बांधकर की। अभियान का मकसद रोड हादसों में कमी लाना है। श्रीगंगानगर के 22 गांव में ग्रामीण आवारा पशुओं से परेशान है। शहर में 2 गौशाला होने के बावजूद पालिका प्रशासन इन गौवंशों को आश्रय नहीं दिला रहा है। टमटिया सहकारी बैंक में सीसीबी चेयरमैन ने 177 किसान कार्ड बांटे। शाहबाद में स्मृति वन कार्यक्रम में वन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस दौरान एसडीएम तहसीलदार समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
बोली पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों की प्रगति रिपोर्ट पर विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई। विकास अधिकारी ने 10 पंचायतों के सचिव और कनिष्ठ लिपिकों को 17 सीसी के आरोप पत्र और 22 ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस दिए। कोटपुतली में गोवर्धनपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वेटर और फल बांटे गए। भामाशाह सुधीर यादव ने अपनी माता की पुण्यतिथि पर फल और स्वेटर बांटे और बच्चों को विटामिन ए की दवाई पिलाई। देवाई में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव में छात्र छात्राओं को कानून की जानकारी दी गई। नैनवा उपखंड में आबकारी विभाग ने शिकायत मिलने पर अवैध शराब को जब्त किया है। नीमका थाना के संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह को कई संगठनों ने अपनी समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय में आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली और वसूली से जुड़े पेंडिंग मामलों के निपटारे के निर्देश दिए। चौमू के राजकीय पीजी महिला महाविद्यालय में शुभ सेवा फाउंडेशन ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया। 36 एमपी गांवों में बस स्टैंड पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। बस स्टैंड पर हैंडपंप खराब पड़ा है, वहीं पानी की टंकी में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इससे यात्री परेशान होते हैं। पीपलों के मुख्य बाजार में धर्म सभा का आयोजन किया गया। आचार्य सुकुमालनंदी ने इस दौरान प्रवचन दिए। खेड़ा कछवासा के राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को भामाशाह बसंत लाल खराड़ी और स्कूल स्टाफ की मदद से स्वेटर बांटे गए। छीपा बदौड़ में बीजेपी देहात और नगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा की गई और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सभा में पहुंचाने की अपील की गई। चौबन मारपीट के बाद उपजे तनाव के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 16 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था। छोटी बडाल गांव में अटल सेवा केंद्र परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बिजली विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के मामले में करीब 20 कनेक्शन काटे। अधिशासी अभियंता अभी के जैन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लाखेरी के सीनियर स्कूल में करियर डे और परीक्षा परिणाम उन्नयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोटपुतली में एलिवेटेड पुलिया विस्तारीकरण की मांग को लेकर पुलिया विस्तार संघर्ष समिति के बैनर तले धरना जारी है। घाटोल की मेन रोड पर गड्ढे हैं, जिससे ग्रामीणों ने विभाग से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्गापुरा गांव में लोग पानी की किल्लत को लेकर परेशान हैं। गांव में डिग्गियां हैं, लेकिन पानी नहीं है। पंचायत और विभाग से लिखित शिकायत के बावजूद विभाग पानी की सप्लाई नहीं कर रहा है। रूपारेल गांव में नदी पर बना पुल बारिश के चलते जगह जगह जर्जर हो चुका है। 4 महीने बाद भी विभाग ने पुल की मरम्मत नहीं कराई, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। चिमनपुरा गांव में 2 दिसंबर से जारी 9 दिवसीय श्रीराम महायज्ञ में दूर दूर से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। महारावल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के तहत एनसीसी कैडेट्स ने पौधारोपण किया। अंता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मोबाइल वैन के जरिए गांव गांव जाकर लोगों को विधिक जानकारी दी जा रही है। सागरोद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच भामाशाह के सहयोग से स्वेटर बांटे गए। नांगल पुरैतान के बलाइयों की ढाणी में बिजली का तार टूट गया और खेत की तारबंदी पर गिर गया। तार के गिरने से मेटबंदी पर करंट दौड़ गया और किसान को काफी नुकसान हुआ।
राजकीय महाविद्यालय बूंदी की युवा विकास केंद्र में एनडीआरएफ टीम ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया। श्री विजयनगर की शीतला कॉलोनी में अभी तक सारी सड़कें कच्ची हैं, लेकिन लोगों की शिकायत के बावजूद पंचायत ने मरम्मत नहीं करवाई। बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के कार्यालय में श्री धराराम मूर्ति का अनावरण समारोह हुआ। अनावरण समारोह को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं को नई जानकारी दी गई। मोटाटी धाम में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में संत चतुर्दास की महाराज मंदिर विकास समिति की ओर से सरस्वती प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जसपुरी के लापी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पाली रेफर किया गया। लोहावट में स्कूल के पास बाइक के सामने अचानक मोड़ आ जाने से बाइक का सवार का संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसलने से युवक घायल हो गया। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे जोधपुर के लिए रेफर किया है। सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर ने पांचलास पंचायत में जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने और बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। वहीं जनसुनवाई के दौरान तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर डिस्कॉम ने बाप क्षेत्र में दो नलकूपों पर दो अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। यहां किसान सिंगल फेज बिजली को थ्री फेज में बदलकर चोरी कर रहे थे। दोनों उपभोक्ताओं पर 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम की नदियों और आसपुर गांव से गुजर रही माही नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। डंपर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं और इन नदियों से रेत खाली करके रवाना हो जाते हैं। पिड़ावा में पैंथर की मूवमेंट से दहशत है। पिड़ावा के गोविंदपुरा में धतूरिया कला कुंडला खेमराज समेत अन्य इलाकों में पैंथर देखा गया है। वन विभाग की टीम पैंथर को ट्रैक नहीं कर पाई है। फुटप्रिंट के आधार पर पैंथर की तलाश की जा रही है। बाप में हाईवे के पास पाइपलाइन फूट जाने से हजारों लीटर पानी बह गया। सूचना के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारियों ने सप्लाई बंद नहीं की, जिससे हाईवे के पास पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 13 लाख रुपए की शराब जब्त करके आरोपी को पकड़ा। गंगरार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हाईवे पर दोनों ओर सर्विस रोड तो बना दी, लेकिन कोई रखरखाव और ध्यान नहीं रखा जा रहा। पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना का काम जोधपुर जिले और तहसील में शुरू हुआ। इस दौरान फलौदी रेंज में 60 जगहों पर गणना की गई। भारत विकास परिषद की ओर से सवाईमाधोपुर में रक्तदान शिविर लगाया गया और 52 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। उधर बूंदी में उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई। खाटूश्याम जी में बजरंग दल ने शौर्य दिवस पर बाइक रैली निकाली, जिसमें जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम पंचायत पोकरासर में वाया इसरोल रानी गांव जिला मुख्यालय तक जाने वाली रोड जगह जगह से टूटी हुई है, जिसमें सफर में यात्रियों को परेशानी हो रही है। डेगाना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में 40 छात्राओं के बीच स्वेटर बांटे गए। शहर के चक्रधर सोनी में आम रास्ते पर नालियों का पानी फैला है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इटावा पंचायत समिति में 13 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह चल रहा है। इसके लेकर पंचायत समिति मुख्यालय से स्कूली छात्रों ने रैली निकाली। बोया सुमेरपुर रोड पर बाइक और जीप की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पाली रेफर किया गया। शंभूपुरा में अरनिया पंथ पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय 14वां जीवन कौशल बाल विकास मेला लगाया गया। बालेश्वर में सिखाला ब्लॉक में कई मांगों को लेकर विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत सहायक संघ ने ज्ञापन दिया।
बोला गांव के भीलों की ढाणी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालना और गोरेलिया के पास एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भुसावर के सीएचसी के मेन गेट पर लगे ट्रांसफार्मर को कभी भी बड़े हादसे यहां पर हो सकते हैं, लेकिन विभाग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। देवपुरा गांव के मेन रोड पर गंदे पानी और कीचड़ से लोगों को परेशानी हो रही है। पंचायत कोई एक्शन लेने नहीं देख रही है और इससे लोगों में नाराजगी है। कोड़ी गांव के मीनाना सीसी रोड पर नाली निकासी न होने से कीचड़ रोड पर फैला रहता है। किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। 16 की एनडी गांव में खेतों में पाले की चादर पसरी रहती है, इससे गेहूं की फसल को फायदे की उम्मीद है। डोंगला में कीचड़ से ग्रामीणों को खासी परेशानी होती है, कई बार पंचायत को लिखित में शिकायत देने के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। सेड़वा मुख्य बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय में गंदगी के चलते बदबू से लोग परेशान हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं। सरवाड़ पार्क एसोसिएशन के चुनाव में किशन सिंह लाखनोत उपाध्यक्ष बने, वहीं शैलेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष पद पर जीते हैं। सादुल शहर में विधायक कोटे से 3 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इस दौरान विधायक गुरजंट सिंह बराड़ और एसडीएम मौजूद रहे। मुंडवा में बिजली विभाग ने अवैध बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई शुरू कर दी और घर घर बिजली के मीटरों की जांच की जा रही है। नगर सिकरी रोड पर दर्जनों जर्जर बिजली के पोल लगे हुए, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सांगोद में पंचायत समिति ऑफिस में योजनाओं के प्रचार के लिए एलईडी लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव पर ध्यान न देने की वजह से बंद पड़ी है। भदेसर उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मसूदा के देवमाली में सामाजिक संस्थान एजुकेशन गर्ल्स ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। अरड़खेड़ा गांव में चने की फसल को जंगली सुअर नुकसान पहुंचा रहा है, किसान परेशान है। नारोवाली ढाणी में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर लगा और ग्रामीणों को योग के बारे में जानकारी दी गई। बाप के राजकीय शारदे हॉस्टल में छात्राओं को रजाइयां बांटी गई, इस दौरान उपखंड अधिकारी मौजूद रहे। मेरता में यातायात सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, यातायात सप्ताह को लेकर गाड़ियों के कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। उदयपुर के भल्लों का गुड़ा में एक मादा पैंथर शिकारी के बिछाए फंदे में फंस गई और इसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके मुक्त कराया। धौलपुर के गौरव पथ पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गाड़ी के ड्राइवर्स को खासी परेशानी होती है। बैरोड के बरोद गांव में राजकीय बालिका स्कूल में आत्मरक्षा शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। देवला में विधायक गौतम लाल मीणा ने जनसंपर्क किया और रोड बनाने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने मांग की है। बिड़ावा के गोविंदपुरा के पास जंगल में पैंथर होने की खबर पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई है। ढिंगली गांव के प्राथमिक स्कूल विद्यम सेवा संस्थान की तरफ से बच्चों को शूज बांटे गए। सैपऊ में एबीवीपी ने राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक स्कूल में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की टीचर लगाने की मांग की। राजगढ़ के सालोली गांव में 105 बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए। लूणकरणसर में मूंगफली की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसान सभा ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गंगधार के खेजड़िया में सद्गुरु फाउंडेशन और द हंस फाउंडेशन की तरफ से वित्त पोषित उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सादुल शहर के स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने जयपुर में आयोजित प्रथम गोजू रियो अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पदक जीतकर उपलब्धि हासिल की। जुरहरा के गांवड़ी गांव में रोड पर पानी भरा होने से लोग परेशान हैं, इसके बारे में कई बार विभाग को शिकायत की जा चुकी है। सांगोद में कृषि विभाग की ओर से संचालित मिट्टी जांच प्रयोगशाला एक कार्मिक के भरोसे चल रही है, इससे मृदा की जांच प्रभावित हो रही है। जैसर के केंद्रीय राज्य फार्म स्थित खुलाबंदी शिविर में शौचालय नहीं है और कैदी खुले में शौच करते हैं। जगत ग्राम पंचायत के शिशुवे गांव के स्कूल में छात्राओं को साइकिल बांटी गई। छतरगढ़ में ई मित्र संचालकों ने ज्ञापन देकर 75% अंक लाने का नियम का विरोध किया।
रैणी में भी ई मित्र संचालक हड़ताल पर है, जिससे जाति मूल निवास और राशन कार्ड संबंधी कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। संगरिया में ई मित्र संचालकों के लिए परीक्षा अनिवार्य करने के विरोध में ई मित्र संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मानिया में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग और विभाग की ओर से पुलिस की ओर से आत्मरक्षा शिविर लगाया गया। बीकानेर में जैन कॉलेज सांस्कृतिक सप्ताह का समापन कार्यक्रम हुआ, इसमें छात्राओं ने कई प्रस्तुतियां दी। बेलू में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड का संघ स्तरीय शिविर लगा, जिसमें 200 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। डक्की ग्राम पंचायत पीपलिया खुर्द में गंगधार एसडीएम के निर्देश पर प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करके रुके काम को शुरू किया गया। सल्लूपार से गुजर रहे एनएच 113 पर अनास चौकी के पास ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, इससे युवक की मौके पर मौत हो गई। बहरोड अलवर रोड पर बैरापुर की ढाणी के पास बाइक और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ड्यूटी पर जा रहा था। प्रतापगढ़ में पुलिस ने डोरा चोरी के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। कोटा मेडिकल कॉलेज में आईएसबीटीआई के 3 दिवसीय 42वीं कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। दावतसर में एक निजी महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कॉलेज के छात्रों ने मोर्चा खोलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आहोर के थावला गांव में सुखदेव भारती को मलकेश्वर मठ के गादीपति महंत की पदवी से नवाजा गया, भंडारा महोत्सव का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।